नदिया के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने बताया, मुख्यमंत्री कर रही है संविधान का उल्लंघन। जयप्रकाश मजुमदार ने हमारे चैनल को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को केंद्र वाहिनी पर हमला करने के लिए उकसा रही हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री यह सब करने के बजाय लोगों से शांतिपूर्ण वोट देने की अपील कर सकती हैं। राज्य में शांति बनाए रखना उनका कर्तव्य है और जनता उनकी बात का आदर करेगी। ममता दीदी ने उनका एक प्रचार सभा में, जिसे बंगाल का जो औरत लोग है, माँ दीदी बहन, उन लोग के प्रति एक आह्वान जताया है। क्या ममता दीदी ने उनको, उन लोगों को बुला के बताए, ये आप लोग निकल आइए, जिससे आप लोग को जो संचय होता है कुकिंग कुकिंग के लिए, जो हाथा होता है, वो सब लेके आ जाइए बाहर और सीआरपीएफ का अगेंस्ट में लड़ जाइए। मतलब वो जो कुकिंग का, जो कुकिंग के लिए जो सब इस्तेमाल होता है, उनको वेपन का हिसाब से यूज़ कीजिए, यही तो मीनिंग होता है। तो किसका साथ लड़ना? आधा सामरिक वाहिनी, दैट ये केंद्रीय वाहिनी का एगेंस्ट। क्यों भाई? सामरिक वाहिनी इंडियन आर्मी और ये जो केंद्रीय वाहिनी है, ये लोग तो हम लोगों का दोस्त होते हैं, भारत के लिए ये लोग काम करते हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं बंगाल का औरत लोग को इनको अगेंस्ट में लड़ जाने के लिए? क्या हक है आपका? ममता दीदी, ये ठीक आपने नहीं बताई। आपको इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतने के लिए आप पॉलिटिकल मुद्दा उठाइए ना। बीजेपी को आप खराब बोलते हैं, खराब बोलिए, कोई ऐतराज नहीं है। जनता जनार्दन वो लोग आके ठीक करेगा जे किसको वोट देना है। पसंद होगा तो आपको देंगे, नहीं पसंद है तो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन ये सब प्रक्रिया, ये कारोबार में, ये जो प्रोसेस है, इसमें आधा सामरिक वाहिनी जो है, केंद्रीय बल जो होता है, उसका अगेंस्ट में लड़ जाने के लिए अस्त्र हाथ में लेके औरत लोग को उलझाने का क्या जरूरत है? क्यों ना हम लोग ये सोचे कि ये देशद्रोह का मामला होना चाहिए आपका अगेंस्ट में? ये ठीक बात नहीं है ममता दीदी। हार है, जीत है निर्वाचन में। जीत होगा तो आप मान सकती है, हार होगा तो आप मान नहीं सकती। ये कैसा खेल का बात कर रही है? ऐसा नहीं होता है। अभी भी टाइम है, आप पूरा बंगाल को बताइए जे शांति के लिए, शांति का वाणी सुनाइए, बोलिए जे सब शांतिपूर्वक जाके वोट दीजिए। ये वाणी सुनने के लिए हम लोग उत्सुक है। अभी भी आप चीफ मिनिस्टर है और 3 सप्ताह बाद नहीं भी रह सकते, लेकिन अभी भी चीफ मिनिस्टर है, पुलिस मंत्री है, आप शांति का वाणी सुनाइए। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।